सामान्य ज्ञान हाँ कहता है और कुछ ना कहते हैं। मानव जाति के अस्तित्व के वर्ष के बाद से आस्तिक लोगों को भगवान के अस्तित्व के बारे में चुनौती दी गई है। नास्तिक का मुख्य तर्क हमेशा यह रहा है कि भगवान मौजूद हैं, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। हालांकि यहाँ हम इस विषय के बहुत अलग स्वरूप देने के लिए कुछ विचार और सत्य प्रदान करते हैं। जब हम मोनालिसा जैसी पेंटिंग के समक्ष आते हैं तो हम निश्चित रूप से चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के बारे में पूछताछ करते हैं। ऐसे कई मानव निर्मित चमत्कार मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं ताजमहल भारत, पाम जुमेरा दुबई, ड्रीमलाइनर बोइंग, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, होटल, समुद्र के सभी समुद्र, बुर्ज खलीफा, गाड़ी, रोबोट्स, फोन, सूची अंतहीन है। ऐसी रचनाओं के पीछे कुछ बुद्धिमान लोगों या जीवों की भागीदारी निश्चित रूप से है। तो हमने जो नहीं बनाया है उसे किसने बनाया है? मनुष्य की आंख हमारे शरीर के सबसे जटिल अंगों में से एक है। यह एक सिनेप्टिक फ्लैश के मध्य से 7 से 10 मिलियन रंगों को महसूस करता है, जो 1 सेकंड का 10वां हिस्सा है। मनुष्य की आंख का डिजाइनर और निर्माता कौन है? और भी कई अन्य उल्लेखनीय अद्भुत चीजें हैं, जैसे कि एक जटिल डिजाइन सुचिंतित डिजाइनर को संकेत करता है। आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसंधान से पता चलता है कि ब्रह्मांड की बारीक बारीक मात्रा का विवरण काफी आश्चर्यजनक है, जो एक बुद्धिमान डिजाइनर का काफी स्पष्ट रूप से संकेत करता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। पहला, पृथ्वी के घूमने की गति। अगर पृथ्वी बहुत तेजी से घूमती तो हम बहुत सारे तूफान जैसे बबंडर और समुद्री तूफान का सामना करते, और अगर बहुत धीरे धीरे घूमती तो रात में बहुत ठंडी और दिन में बहुत गर्मी होती। क्या पृथ्वी ने अपनी सही गति के बारे में खुद ही सीखा है, या क्या इसे ठीक वैसे ही मॉनिटर किया जा रहा है जैसे एक उपग्रह को सैकड़ों वैज्ञानिकों द्वारा एक साथ मॉनिटर किया जाता है? दूसरा, पृथ्वी का आकार और उसके अनुरूप गुरुत्वाकर्षण ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैसों की एक पतली परत रखता है, जो केवल पृथ्वी की सतह से लगभग 50 मील ऊपर फैली है। अगर पृथ्वी से छोटी होती तो वातावरण असंभव होता। यदि बड़ी होती तो उसके वायुमंडल में मुक्त हाइड्रोजन होता, जो जीवन को असंभव बना देता। किसने इसे सही आकार दिया है? तीसरा, पृथ्वी का स्थान। हालांकि यह लगभग 67,000 मील प्रति घंटे की जबरदस्त गति से घूमती है, लेकिन सटीक दूरी पर अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इसका प्रबंध किया गया है। इसके अलावा यह पाया गया है कि यदि पृथ्वी सूर्य से दूर होती तो हम फ्रीज हो जाते, और करीब होती तो हम सभी जल जाते। सूर्य से सटीक दूरी पर ग्रह पृथ्वी को कौन उपयुक्त करता है? और यह एक विशाल ब्रह्मांड में
सिर्फ एक ग्रह पृथ्वी के बारे में है। इसी तरह के अवलोकन अन्य बड़े पैमानों पर ग्रहों के लिए वैज्ञानिकों द्वारा दर्ज किए गए हैं। अंत में पूरे ग्रह मंडल को किसने बनाया? कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ संयोग से कह सकते हैं। तब क्या यह विज्ञान है? कोई भी समझदार व्यक्ति जब वह एक अच्छा डिजाइन देखता है तो वह डिजाइनर के बारे में सवाल करता है। इसी तरह से हमें पूछताछ करनी चाहिए कि ब्रह्मांड की बारीक डिजाइन कहां से आती है। ब्रह्मांड में क्रम एक चतुर आयोजक का संकेत देता है। जब हम अपनी दुनिया की प्रकृति का चिंतन करते हैं तो हम हर जगह क्रम देखते हैं। जितना अधिक हम किसी भी शब्द के बारे में खोजते हैं उतना अधिक हम पाते हैं कि पृथ्वी विवेक कानूनों द्वारा शासित है। हमारे उपयुक्त बुद्धि के साथ हम सिम्बायोटिक फैक्ट्री का विचार अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिम्बायोटिक फैक्ट्री एक ऐसी व्यवस्था को सूचित करता है जिसमें एक फैक्ट्री ए के कचरे का उपयोग पूरी तरह से एक अन्य फैक्ट्री बी द्वारा कच्चे माल के रूप में किया जाता है और फैक्ट्री ए के कचरे का पूरी तरह से फैक्ट्री बी द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह की विचारधारा पारिस्थितिक रूप से शानदार और आर्थिक रूप से स्मार्ट लगती है, हालांकि यह अनिवार्य रूप से काल्पनिक बनी हुई है। लेकिन हमारे लिए आश्चर्य है कि ऐसी सहजीवी फैक्ट्री ब्रह्मांड में मौजूद है। इस तरह की एक व्यवस्था रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की साइकिल है, जो हम हर क्षण ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जो पौधे द्वारा लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। ऑक्सीजन जीवन का निर्वाह करने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड जीवन को नष्ट करने वाला है। यदि अत्यधिक मात्रा में मौजूद है तो प्रकृति में एक शानदार संतुलन प्रणाली है जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा रेस्पिरेशन की निरर्थक वस्तु कार्बन डाइऑक्साइड अचूकता से लेकर रेस्पिरेशन के लिए अत्यावश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या सबसे अच्छे वैज्ञानिकों भी इस तरह के एक सिम्बायोटिक फैक्ट्री का सेटअप कर सकते हैं, जहां एक फैक्ट्री की निरर्थक वस्तु पूरी तरह से दूसरे के लिए कच्चे माल का रूप में कार्य करता हो? चूंकि ब्रह्मांड आदेशित है और विज्ञान में नियमों द्वारा शासित है, हमें सवाल करना चाहिए कि यह आदेश कैसे आया? क्या प्रकृति में इन सभी जटिल व्यवस्थाओं के पीछे एक आयोजक नहीं होना चाहिए? कानून के बारे में बोलते हुए प्रकृति के समान नियम एक बुद्धिमान व्यवस्थापक को सूचित करते हैं। जीवन का बहुत कुछ अनिश्चित लग सकता है, लेकिन इस बात पर गौर करने की दिन प्रतिदिन गुरुत्वाकर्षण का स्थिर रहना, एक कॉफी में एक गर्म कप ठंडा होना और पृथ्वी 24 घंटों में समान ही घूमते रहना, इस विषय पर हम गणना कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम पृथ्वी के नियमों की पहचान कर सकते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं? ब्रह्मांड इसी सुव्यवस्थित रूप से विश्वसनीय क्यों है? महान वैज्ञानिकों का मानना है कि नियमों का पालन करने वाले ब्रह्मांड के लिए कोई तार्किक आवश्यकताएं नहीं है। जो गणित के नियमों का पालन करते हैं और जिनके लिए एक ब्रह्मांड की कल्पना करना आसान है, जिसमें परिस्थितियां अनिश्चित रूप से तुरंत बदल जाती है, उन्हें अकेले ही रहने दीजिए। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फेनमैन ने कहा, प्रकृति गणितीय क्यों है, ये एक रहस्य है। सत्य ये है कि सभी पर नियम है, ये एक प्रकार का चमत्कार है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें किसी कानून का कोई अनुभव नहीं है जो किसी द्वारा नहीं बनाया गया है। हर एक कानून का गठन और उसका प्रवर्तन हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा शासित होता है। इसीलिए यह वास्तव में विचारशील है कि विश्वव्यापी कानून बनाने और सख्त रूप से बाध्य करना कानून निर्माता का संकेत देता है। एक रचना निसंदेह एक निर्माता को दर्शाता है, मतलब अगर एक डिजाइनर है, एक आयोजक है, कानून निर्माता है, तो निश्चित रूप से जब हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कोई निर्माता है। जब एक कागज के गुलाब के फूल को भी एक निर्माता की जरूरत होती है तो असली गुलाब का फूल कोई कैसे बना सकता है? कई लोग यह भी कहते हैं
कि प्रकृति अपने आप काम कर रही है। इस प्रकार वे निर्माता की आवश्यकता से इनकार करते हैं। उनका तर्क है कि प्रकृति को नियंत्रित करने वाले ईश्वर की किसी भी दिव्यता को देखना एक अवैज्ञानिक मानसिकता से आया भावुक लालसा मात्र है। इस प्रकार क्या प्रकृति अपने आप काम करती है? इस संदर्भ में स्वचालित रूप से प्रयुक्त शब्द कुछ भटकाने वाला है, क्योंकि स्वचालित रूप से नियंत्रक की अनुपस्थिति का संकेत नहीं देता है, बल्कि नियंत्रक के ज्ञान की अनुपस्थिति का पता चलता है। जब हम कहते हैं कि एक मशीन स्वसंचालित रूप से काम करती है, तो इसका क्या मतलब है कि मशीन को ऑपरेटर के साथ निरंतर बातचीत की आवश्यकता नहीं है? लेकिन फिर भी ऑपरेटर है जो मशीन को सक्रिय करता है और इसके बंद होने का निरीक्षण करता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा समय के साथ अपने आप आगे बढ़ती हुई वस्तु से चकित हो सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी एक अनुभवहीन बच्चे की तरह गुमराह होकर एक ही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। इसी तरह प्रकृति के शानदार घटनाएं स्वयं के द्वारा नहीं हो रही हैं, जैसे कि कोई बच्चे की तरह कल्पना कर सकता है। सभी प्राकृतिक घटनाएं विशेषज्ञ के तहत काम कर रही हैं, और इसीलिए भूतकाल में कई सज्जन व धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों लोगों ने भगवान का अदृश्य प्रोग्रामिंग ही निष्कर्ष माना है। इस प्रकार यह है, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी लॉर्ड केल्विन ने कहा कि यदि आप दृढ़ता से पर्याप्त सोचते हो, तो आप विज्ञान द्वारा भगवान में विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के संशोधनकर्ता ने टिप्पणी की, धर्म के लिए भगवान शुरुआत में और विज्ञान में भगवान अंत में है। वैदिक साहित्य के संक्षिप्त सारांश में इसी तरह से निष्कर्ष पाया गया है, जन्म दिया आस यथा, ईश्वर या पूर्ण सत्य ब्रह्मा सब एक स्रोत है। इसी तरह भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वो परम सत्य है जो सभी संसार में उद्गम और सब कुछ प्रबंधित करने वाले हैं। अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वम प्रवर्तते।